शहर में भारी बारिश के कारण जनजीवन काफी मात्रा में त्रस्त हो चुका है। उसी बीच नागपुर स्थित नरेंद्र नगर पुलिया में पानी भर जाने से एक ट्रक पूरी तरह से वहीं पर फंस गया, जिससे ट्रक चालक चिंता में है। इस घटना से स्थानीय आवाजाही पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। कल रात भर तेज मेघ गर्जना के साथ भारी मात्रा में बारिश हुई, जिसके चलते शहर का वातावरण पूरी तरह जलमग्न हो गया। तो कहीं गड्ढों में पानी भरा तो वहीं बहुत से रास्ते नदियों में बदल गए। उसी श्रेणी में मुख्य आवाजाही वाला नरेंद्र नगर पुलिया बारिश के कारण भर गया। स्थानीय चर्चा के हवाले ये पुलिया हर साल इसी तरह भरता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, बारिश के कारण गड्ढों में पानी भरना आदि समस्याएं जो महानगर की मुख्य समस्याएं होती है बारिश के कारण। लेकिन आज इस वक्त हम मौजूद है नरेंद्र नगर पुलिया में, जहां कि आप देख पा रहे होंगे एक ट्रक पूरी तरह से पानी में फंस चुका है। पूरी तरह से आधे पानी में वह ट्रक फंस चुका है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं खड़ा हूँ, मैं भी आधा पूरा पानी में खड़ा हूँ। इतना बड़ा पानी की समस्या होते हुए भी प्रशासन ने अभी इस राहत कार्य को किसी भी प्रकार से राहत कार्य को ध्यान नहीं दिया है। ये बड़ा ही प्रश्न चिन्ह का सवाल है। आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे मैं पानी में चलता जा रहा हूँ, वैसे वैसे नाव बनती जा रही है मेरी। खुद ही मैं यहाँ तैर रहा हूँ, देख सकते हैं। जिसको स्विमिंग आती है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिसको स्विमिंग नहीं आती उसके लिए काफ़ी बड़ा सवाल या निशान यहाँ मौजूद हो रहा है। जैसा कि पीछे की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं सीतामढ़ी जाने के लिए। ये मुख्य मार्ग है, लोग यहाँ से वापिस जा रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी मात्रा में भरा हुआ पानी कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियों का कारण बन चुका है। नरेंद्र नगर पुलिया में इस वक्त हम मौजूद है। नरेंद्र नगर पुलिया की यह कंडीशन आप देख सकते हैं, पूरी तरह से पानी, पूरी तरह से जलमग्न ये परिसर हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे एक पूरा ट्रक पूरा का पूरा वहाँ डूब चुका है। दोनों मार्ग यहाँ बंद हो चुके हैं। जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन भी सवाल उठता है कि इंजीनियर द्वारा किया गया यह कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं भविष्य संदर्भित नहीं था क्या, या भविष्य केंद्रित नहीं था क्या, ये भी सवाल इस वक्त मौजूद हो रहा है। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा किसी भी राहत कार्य की गुंजाइश अभी तक नहीं दिख रही है। शायद ये कल से ही भरा हुआ है और काफ़ी बड़ी मात्रा में रात में पानी आया है, रात में बारिश आई है और बारिश के चलते ये पुलिया पूरी तरह से स्तब्ध भर चुका है। जब बारिश ज्यादा मात्रा में होती है तो इससे कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि इंजीनियर द्वारा इसका मैप निर्माण क्या भविष्य संदर्भ को ध्यान में लेकर नहीं किया गया। बहरहाल इस स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, नरेंद्र नगर पुलिया की जो तस्वीरें आपने देखी, वहाँ एक ट्रक फंसा हुआ है और उस ट्रक के चालक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका ट्रक कितने बजे फंसा है और किस परिस्थिति में फंसा? रात को 12 बजे फंसा था। और क्या क्या माल था इसमें, क्या माल लेकर आए थे? ये माल है इसमें, अभी भी इसमें पेपर रोल है, पेपर रोल है। रात को 12 बजे बंद ही हो गया खुद ब खुद। सेंसर वाली गाड़ी है, सेंसर को पानी लग गया, बंद हो गया गाड़ी। जब ये यहाँ बंद हुआ तो पानी भरा था क्या? पानी उतना नहीं था, उतना भरा नहीं था। ये सवेरे वो कांच तक पानी आ गया था। और जो आपने देख रहे हैं ये जो तस्वीरें है, ये कितने बजे की है और कितने बजे इतना पानी भरा है, और ये कम हुआ या अभी जलस्तर बढ़ रहा है? अभी कम हुआ, अभी कम हो गया। पानी फेंकना चालू है ना, वो कांच तक पानी आया था, अभी कम हो गया। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ट्रक है, ट्रक आधा भर चुका है। जैसे आपको तस्वीरें हमने दिखाई है, पूरा सामान और पूरा जो माल है वहाँ अभी भी मौजूद है। तो बहुत बड़ा नुकसान ट्रक चालक का इस वक्त हुआ है। जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं, काफ़ी विकट परिस्थितियों में इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। पूरे पानी में पूरा फंस चुका है, वहाँ माल भी है उनका, और पेट पानी के लिए आ रहे लोग, इतने दूर से आ रहे लोग, और उनका इतना बड़ा नुकसान, कहीं ना कहीं प्रशासन भी सवालिया निशान में मौजूद है कि प्रशासन भी सवालिया निशान में आ रहा है कि इंजीनियर द्वारा ये बनाया गया रोड मैप, जैसा कि हम चर्चाओं में सुन रहे हैं कि काफ़ी दिनों से ये बारिश के समय में पुल भरने की समस्या यहाँ उत्पन्न होती है। तो देखते हैं आगे प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है और किस प्रकार से राहत कार्य शुरू होता है, राहत कार्य किया जाता है।